उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस के बचाव के लिए किए गए व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADA हेल्थ के अलावा CMO डॉक्टर SK तिवारी, महिला चिकित्सालय के SIC आनंद प्रकाश श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख सचिव चिकित्सा ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की तथा जिला अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड, मेडिकल कॉलेज में बनाए गए वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर के संबंध में जानकारी हासिल की। इस दौरान प्रमुख सचिव चिकित्सा ने निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के बचाव में कोई भी लापरवाही न की जाए तथा व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त रखा जाए, जिससे वैश्विक महामारी पर लगाम लगाया जा सके। लीडरशिप का रोल लेना है, दिखलाना है कि हाँ साहब, हम देखिए ऐसी विकट स्थिति में भी हम आपकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ आपके DG साहब है, ये डॉक्टर मिथिलेश, ये हमको 7 बजे रिपोर्ट भेजते हैं, आज इतने केसेस आ गए, इतने आ गए, ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। तो आप लोगों को भी उसी स्पिरिट से इस समय काम करना है। हम सबको 6 L3 है जो मेडिकल कॉलेजेस है, जो आप जानते हैं मेरठ में है, झांसी में है, इटावा में है, और आपके वो कौन सा वाला है, L3 जो है, एक गोरखपुर है, एक पांच कॉलेज है, जो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है, 27 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। लेकिन जो 45 और मेडिकल कॉलेज है वो सबके सब L2 है। तो एक और नई चीज हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जो L1 के समकक्ष चिकित्सक सुविधा, L1 अटैच्ड फैसिलिटी उसको कहा गया। और हो कोई और ऐसे सार्वजनिक भवन हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, जहां पर कि 100 लोगों का इंतजाम करना होगा। वो जियो जियो पढ़ा है आपने, प्रयागराज जियो पढ़ा? हाँ पढ़ा। बताइए प्रयागराज, बताइए जियो में क्या लिखा हुआ है, क्या करना है, बताइए। सर हमारा जो L1 है तो हमने पहले डेवलप कर रखा है, L1 के समकक्ष हमको सुविधाएं देनी होगी। उस क्रम में सर हमने यहाँ पर कालिदीपुरम में एक LDA का बिल्डिंग था, उसको आज हमने ऑक्युपाई भी कर लिया सर, और वहाँ पर हमारे पास करीब 120 फ्लैट है जिसमें हम इंक्वायरी पास करेंगे और जैसे हम L1 में देंगे वहीं आप कर देंगे। 70% केस एसिम्प्टोमेटिक है, इसलिए कंजर्वेटिव एस्टिमेट 50% का लिया गया और 50-50 के रेशियो पर यह तय किया गया कि 10,000 बेड हम एडिशनल क्रिएट कर सकते हैं किसी दूसरी बिल्डिंग में। हम हर जिले में 100 जो मंडलीय मुख्यालय है वहां पर आप 200, 100, 125 इस तरह से आप बेड कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं। विजय आप उसमें जाइए, कहाँ पर आएगा तो बताइए, मैं आ जाऊँगा। तो उसमें आप बेड कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं 100, 100, 125 इस तरह की। उसके लिए मैन पावर के नॉर्म्स क्या होंगे वो सभी बता दिया गया है, क्योंकि वो सिंपल केस मैनेजमेंट होगा। अगर उसमें किसी की तबीयत बिगड़ती है तो आप उसको L1, L2, L3 जहाँ जैसी जरूरत हो वहाँ पर आप उसको वहाँ से ले जा सकेंगे। एसिम्प्टोमेटिक वाले में जब लक्षण आएंगे तो आप उनको ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से आप प्रदेश में हम एडिशनल 10,000 बेड हर एक बेड पर L1 इक्विवेलेंट कैटेगरी का हम क्रिएट कर रहे हैं। हर एक बेड जो L1, L2, L3 में हमने क्रिएट किया हुआ है उसके लिए हम एक बेड L1 इक्विवेलेंट कैटेगरी का हम क्रिएट कर रहे हैं। तो 10,000 हम एडिशनल बेड इस तरह से हम लोग बेड कैपेसिटी क्रिएट कर पाएंगे। ये आपको तत्काल कर लेना है और उसको लिंकेज भी बना लेना है। जैसे बिल्डिंग अगर आपको मिल गई तो उसमें आपको जब पेशेंट रखना पड़ेगा तो आपको बेड और बाकी चीजें कहाँ से मिलेंगी, टेंट हाउस से लेना होगा, क्या करना होगा, वो सारे लिंकेज एस्टैब्लिश कर लीजिए, उनको ऑन नोटिस कर दीजिए। एपिडेमिक्स एक्ट का जो नोटिफिकेशन, उसके अंदर उनको नोटिस दे दीजिए कि ये आपसे हम जब भी जरूरत होगी तो आपसे हम ले लेंगे। ये बेड आपसे बेड गद्दे चारपाई बनाना ढमाका जो कुछ भी आपसे तत्काल आपको 24 घंटे के नोटिस पर आपको उपलब्ध कराना होगा, ऐसा उनको आप नोटिस दे दीजिए। दिवाली है, अगर इसका प्रकोप बढ़ता है तो हम लोग हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हो, ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। लखनऊ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, सहारनपुर है, बरेली है, लखीमपुर खीरी भी है, कानपुर नगर है, तमाम इस तरह के जो जिले हैं, आज
जो 15 जिले जहां 5 या उससे ज्यादा केसेस हैं, उनमें आज से लॉकडाउन पूरे एरिया का, जहां भी केसेस हुए होंगे, बहुत ही स्ट्रिक्टली एनफोर्स होने जा रहा है। डीएम और एसपी जो आपके हैं, डीएम साहब और एसपी साहब, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डीजीपी साहब अभी करने वाले हैं, और उसमें बहुत ही कड़े इंस्ट्रक्शंस उसमें जारी होने वाले हैं कि उसमें लॉकडाउन बहुत ही स्ट्रिक्टली किया है। तो ये जो है जो वायरस से जो रोकथाम से बेहतर जानते हैं, यही दो तरीके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग। तो यही दो मुख्य तरीके हैं। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन, एक एडवाइजरी जारी हो रही हुई थी, एक आज नोटिफिकेशन जारी होने वाला है कि हर एक व्यक्ति के लिए जो भी घर से बाहर सार्वजनिक स्थान पर जाए, उसको अपने चेहरे को कवर करना होगा, फेस कवर लगाना अनिवार्य। वो उसमें एपिडेमिक एक्ट के अंदर वो नोटिफिकेशन होने जा रहा है, नहीं होने पर दंडनीय भी हो। मास्क का वो था, अरे व्यक्ति को या मास्क से या गमछे से या मास्क से, या कौन छुपा हुआ है, कवर करना होगा।